हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब? ऑल वेल, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एम पी बोर्ड एजुकेशन पर। मैं भी ये सर आज आपके लिए लेकर आया हूँ अकाउंटेंसी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। जी हाँ, आपके अकाउंटेंसी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आ चुके हैं। अब आपको सारे क्वेश्चंस लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप सारे क्वेश्चंस लगाओ। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगा कर आपकी एग्ज़ाम में 90+ मार्क्स ला सकते हो। जी हाँ, आपको 90+ मार्क्स लेकर आना है, तो आपको ये सारे क्वेश्चंस लगाने होंगे, और वो भी बहुत ही ईमानदारी के साथ। आपको ये एक भी क्वेश्चंस नहीं छोड़ना है, तभी आप 90+ स्कोर कर सकते हो। तो मैं आपको बता दूँ सबसे पहले कि ये जो क्वेश्चंस है आपके, वो है ब्लूप्रिंट वाइज। मतलब ये कि जो आपका सेशन 2021 और 22 के बेस पर, तो आप भी कह रहे होंगे सर अब बातचीत करना छोड़िए और जल्दी से क्वेश्चन बताना स्टार्ट करिए। तो बिना टाइम वेस्ट करे और बिना डिजाइन डाले आज हम स्टार्ट करेंगे अकाउंटेंसी के चैप्टर नंबर 1 नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो एक क्वेश्चन इस चैप्टर से बनने वाला है 2 मार्क के लिए। तो आपके ये जो सारे क्वेश्चंस, मतलब ये 5 जो क्वेश्चंस है आपके लिए बनाए हैं मैंने, वो और करके बनाए हैं। मतलब ये एक क्वेश्चन के साथ में एक और क्वेश्चन, क्योंकि एग्ज़ाम में भी आपसे इसी तरह पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन के साथ एक और में एक क्वेश्चन आएगा। तो आपको दोनों में से जो बहुत अच्छे से आ रहा है वो पहले करना है। ओके, तो ये जो क्वेश्चन है आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब ये प्रीवियस ईयर्स में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, तो ये इम्पोर्टेंस रखते हैं। ओके, और भी ये चैप्टर में मोस्ट इम्पोर्टेंट कहलाते हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कहलाते हैं। तो आपको ये सारे क्वेश्चन जो है अच्छे से लगाना है। और एक और बात का ध्यान रखना है, आपको ये क्वेश्चन के आंसर 30 वर्ड्स में ही तैयार करने हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में भी आपको 30 वर्ड्स में ही लिखना रहेगा एप्रोक्स। आपको इनसे कम नहीं लिखना है, 30 वर्ड्स के मिनिमम में नहीं लिखना है, मैक्सिमम में आप थोड़ा बहुत ज़्यादा लिख सकते हो। ओके, तो ये तो है आपका 2 मार्क्स के क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा इस चैप्टर से 3 मार्क्स का। तो आपके लिए 3 मार्क्स के लिए भी आपको ये 5 क्वेश्चंस लगाने हैं, और उन्हीं के और में एक और क्वेश्चंस लगाने हैं। मतलब 5 के साथ 5 और क्वेश्चंस आपको लगाने हैं, मतलब 10 क्वेश्चंस आपको लगाने हैं, क्योंकि 3 मार्क्स में भी आपके और में पूछे जाएंगे। तो इसमें भी आपको जो बहुत अच्छे से आ रहा है वो पहले करना है। तो आपको ये सारे क्वेश्चन जो है वो आपको 3 मार्क्स ध्यान रखते हुए आपको आंसर लिखना है। ओके, तो आपको वर्ड लिमिटेशन तो पता होगी, नहीं पता है तो मैं बता दूं, 3 मार्क्स के लिए आपको 75 वर्ड्स अप्रोक्स लिखना है। ओके, लेकिन थोड़ा बहुत ज़्यादा लिखना चाहो और है ना टाइम बच जाए आपके पास, तो आप लिख सकते हो, लेकिन टाइम तो बचेगा नहीं, क्योंकि ये है अकाउंटेंसी का पेपर। तो आपको 75 वर्ड्स में लिखना है, 80 वर्ड्स भी कर सकते हो, कम नहीं करना है, लेकिन टाइम भी ध्यान रखना है, क्योंकि आगे भी आपको सॉल्व करना रहेगा, न्यूमेरिकल्स भी करने रहेंगे, तो आपको ध्यान रखना है। ओके, तो ये तो थी आपके 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के क्वेश्चन की बात। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए एग्ज़ाम में बहुत ही इंपॉर्टेंस रखते हैं, तो आपको इन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से लगाना है और इनकी तैयारी 100% करनी है। ओके, क्योंकि ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही सोच समझ के बनाए हैं। ओके, तो आपको इनकी तैयारी करनी है। और आपको इन क्वेश्चंस का PDF फॉर्म चाहिए, तो आपको अभी mpboard एजुकेशन ऐप आपके मोबाइल में इंस्टॉल करना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके, और नेक्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए आपको, तो आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो पर 100 लाइक्स करने होंगे और साथ ही साथ 500+ व्यूज लाने होंगे, तभी मैं नेक्स्ट चैप्टर के वीडियो जल्दी से जल्द लेकर आ जाऊँगा। ओके, तो ये तो थे आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से करिए, और लाइक कमेंट शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलना। धन्यवाद।